अनु मंडल का गाना सलमान खान को सुनाया गया। इस दौरान सलमान अपने दोस्तों के साथ बैठे थे, तभी मशहूर सिंगर कृणाल गुंजावाला ने मोबाइल पर रानू मंडल का गाना चला दिया। सलमान रानू मंडल की आवाज में हिमेश रेशमिया के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था तेरी मेरी कहानी गाना सुनकर भावुक हो गए। गाना सुनते सुनते सलमान इतने भावुक हो गए कि आंसू छिपाने के लिए बगल में रखा गिलास उठा लिया और कोल्ड ड्रिंक सरीखी कोई ड्रिंक पीने लगे। उल्लेखनीय है कि सलमान खान को इंडस्ट्री से बेसहारा लोगों की मदद के लिए जाना जाता है। कई बार मीडिया में ऐसी खबरें आती हैं कि सलमान खान अपनी संस्था बीइंग ह्यूमन के जरिए कई बेसहारा बच्चों की मदद करते हैं। इसलिए जब रानू मंडल के रेलवे स्टेशन से उठकर बॉलीवुड तक का सफर तय करने की बात आई, तभी से उम्मीद की जा रही थी कि सलमान इस पर जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। असल में हिमेश रेशमिया सलमान खान के सबसे खास में खास लोगों में आते हैं, इसलिए कई लोगों को यहाँ तक मानना है कि सलमान के कहने पर ही हिमेश ने रानू को मौका दिया। लेकिन हिमेश ने खुद सामने आकर बताया कि सलमान नहीं बल्कि उनके पिता सलीम खान की बातों से प्रेरित होकर उन्होंने रानू को मौका दिया। जैसे ही गाना सलमान खान तक पहुंचा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। बताया जा रहा है कि सलमान खान अब रानू मंडल को लेकर कुछ सोच रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि हिमेश ने रानू को गाने के अवज में 6 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन सलमान खान इससे खुश नहीं है। सलमान खान का कहना है कि रानू मंडल की फीस बढ़ाई जानी चाहिए। सलमान को उनकी आवाज बेहद पसंद आई। जब सलमान खान के सामने रानू का ये गाना चलाया गया तो अपने आप कृणाल समेत दूसरे लोग रानू के साथ गुनगुनाने लगे। माना जा रहा है कि रानू ने न केवल देश के लोगों को बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को भी अपनी आवाज से हिला दिया है। सलमान खान की ओर से मुंबई में रानू के रुकने का इंतजाम को लेकर चर्चा भी है। बताया जा रहा है कि हिमेश रेशमिया के साथ गाना रिकॉर्ड करने के बाद रानू मंडल फिर से कोलकाता लौट गई थी, क्योंकि उनके पास मुंबई में कोई ठिकाना नहीं था। अब खबरें आ रही हैं कि सलमान खान मुंबई में उनके करीब 55 लाख तक का उन्हें घर देने वाले हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि सलमान खान अपने होम प्रोडक्शन की फिल्म दबंग 3 में उनके गाने को मौका भी देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए असल एंटरटेनमेंट।